नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सम्राट। और यहाँ पर आप लगातार इंडिया में सुनते हैं कि क्रिकेट का ज्ञान सबको है, हर कोई क्रिकेट पर बात करना जानता है, लेकिन हमने जी न्यूज पर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि आपको सुनने को मिले ज्ञान तो, लेकिन किसका? एक्सपर्ट्स का। और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसे खास मेहमान है जिन्होंने क्रिकेट खेला भी है, जिन्होंने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीता भी है और जिनके पास एक्सपर्टीज भी है और रिकॉर्ड्स भी हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ गौतम गंभीर। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले जब होते हैं तो गंभीर के एग्रेशन की बात होती है, और हमारे साथ इरफान पठान है क्योंकि वर्ल्ड T20 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है। गौती भी, क्योंकि आप दोनों दो ऐसी शख्सियत है, ऐसे प्लेयर्स है जो वर्ल्ड चैंपियन है। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं थोड़ा सा उसमें से क्रेडिट ले रही हूं, आप अलाउ करेंगे मुझे, मुझे पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोग वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन टीम थे और मैं अदिति त्यागी साउथ अफ्रीका से आप लोगों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। तो भाई अभी तक तो मैंने तालियां भिजवाई क्रिकेटर के लिए, थोड़ी तालियां मेरे लिए भी भाई। तो फिर तो आपको वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। दैट वाज इफ यू रिमेंबर 2011 वर्ल्ड कप, इवन आई वाज देयर इवन फॉर दैट। और विराट कोहली ने जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, आई वाज देयर एंड कवरिंग इट इन मलेशिया आल्सो। यू शुड बी इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, यू शुड नॉट बी एंकरिंग। नो, आई वुड से थैंक यू सो मच। मैं जा रहा हूं, चलो हमारे साथ चलो, फैमिली जा रही है मेरी, हमारी फैमिली के साथ आप भी चल रही है, क्योंकि हमने गौतम को भी बोला है, ये भी अभी गौतम भी आएंगे, हम भी आएंगे और आप भी रहेंगे, तो फिर सोच लीजिए 2007 फिर रिपीट करते हैं। मैं इस बार आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस कि मुझे एक ऐसी क्रिकेट टीम कवर करने को मिली जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी। मुझे याद है कई क्रिकेट जर्नलिस्ट के करियर जो थे वो पूरे हो गए, लेकिन उन्हें ये गोल्डन मोमेंट्स थे वो मिले नहीं, मुझे बहुत यंग एज पे मिला। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, इंडेटेड टू यू गाइस। और अब जब ये मैं सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रही हूँ, आई एम रियली इमोशनल अबाउट इट, रियली इमोशनल। थैंक यू सो मच। और मैं इसलिए भी इमोशनल हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है उसे शायद पता नहीं होगा, 15 साल हो गए हैं, तो इन लोगों की टीम जब ये लोग पहुँचे साउथ अफ्रीका में, मुझे याद है इनसे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें लगा हमें तो अपने सीनियर रिपोर्टर्स भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगा है तो फर्स्ट राउंड में आउट होने वाले हैं, और उन्हें नहीं पता था कि जो बच्चा रिपोर्टर्स भेज रहे हैं जिसमें मैं भी एक थी, हम हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। तो जब वर्ल्ड T20 तो वर्ल्ड T20 2007 की जब बात होती है, गौती पहला थॉट क्या आता है जहन में? देखिए सच्ची बताऊं, मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं आता, बिकॉज ऑनेस्टली, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम जीते थे, कि इंडिया नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम 1983 फ्रॉम 2007 एंड 2011, क्योंकि हम बहुत बात कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि जब तक आप अगला जीतते नहीं हो तब तक आप उन्हीं के बारे में बात करते रहते हो। इनफैक्ट मेरे लिए उसी दिन खत्म हो गया था 2007, जिस दिन हम वो फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे। और 2011 में भी मैंने यही बात बोली थी, और ऐसा नहीं है कि हम ट्राइंग टू से समथिंग जो मैं बिलीव नहीं करता। 2 अप्रैल 2011 को 2011 वर्ल्ड कप वॉज ओवर फॉर मी। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम सिर्फ पुरानी चीज़ें ही याद करते रहते हैं, नो डाउट। कि और मेरा एक और मानना यह रहता है कि हमने कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करी नहीं है जो हमारे को करनी नहीं चाहिए थी। नो, जनरली बिकॉज हमारा काम है वर्ल्ड कप जीतना। नो, आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू, आई गिव यू द रीजन, एंड इट्स अ वेरी वैलिड रीजन, कि जब आप अपने देश के लिए पिक होते हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए पिक हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने देश को जिताओ। ऐसा तो नहीं है कि अगर जब मैं 2007 या 2011 में पिक हुआ था तो मेरा काम था रन बनाना, तो मैंने किसी पे एहसान तो नहीं किया। इरफान का काम था विकेट लेना। तो हमारा जब हम 2007 में गए थे तो लोगों को नहीं लग रहा था कि हम जीत सकते हैं,
लेकिन हमारे को अंदर से तो लग रहा था कि हम जीतने ही गए हैं। अगर हम जीतने के लिए नहीं जाते तो फिर हमारे को जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप देश के लिए खेल रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि क्या सीनियर और क्या जूनियर है, आप ये सोचते हो कि जहाँ पर भी आप खेल रहे हो आप अपने देश का नाम रोशन करो और उसको जिताओ। और इसी एग्रेशन के साथ गौती ने अपनी क्रिकेट खेली है। प्लीज जोरदार तालियां गौतम गंभीर के लिए। प्लीज मजा नहीं आ रहा है मुझे, इतनी कंजूसी आप लोग कैसे कर सकते हैं। That's better. Irfan, 2007 World T20 और गौतम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए प्लीज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट टिल इटर्निटी। इरफान पहले थॉट्स, वर्ल्ड T20 2007 नाम लेते क्या आता है जहन में? खूबसूरत यादें, इतनी खूबसूरत यादें जो हमेशा जिंदगी में साथ में रहने वाली है। बिकॉज जिस तरह से हम क्रिकेट खेले थे, बहुत जो आपने बात की बहुत सही बात थी, क्योंकि सिर्फ बच्चा रिपोर्टर नहीं थे, लोगों को लगता था बच्चे प्लेयर भी भेज दिए खेलने के लिए। क्योंकि देखिए पहली बार कप्तान आपको नया मिला था, मैं कमबैक कर रहा था, बाकी यंग लड़के भी आ रहे थे टीम में, हालांकि एक्सपीरियंस था उन लड़कों में, 23-24 साल की एवरेज औसतन एज थी उस टीम की, अपने पीक पे खेल रहे थे सारे लड़के, और जो साथ में मिलकर क्रिकेट खेले, मीडिया ने तो हमें मौका नहीं दिया था उसकी, मतलब गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि यंग टीम थी, एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। और दूसरी बात, हमारी टीम की बात छोड़िए, ये फॉर्मेट जो था T20 क्रिकेट, उसकी एक्सपेक्टेशन भी लोगों को नहीं पता थी कि क्या होने वाला है, तो वो एक्सपेक्टेशन से परे थी सारी चीज़ें। हम गए, ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, और इतनी कमाल की यादें थी हमारे साथ जो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाई थी मुंबई में जब हम लैंड हुए हमारे फैंस ने। सो आई थिंक वो यादें हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। बहुत स्पेशल था वो, मुझे मेरे ख्याल से उस दिन गौतम बारिश भी हो रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ट्रैवल किया था उस दिन, शायद बारिश हो रही थी जब आप लोग ओपन बस में मुंबई में ट्रैवल कर रहे थे, राइट? आई एम श्योर हो रही होगी थोड़ी बहुत हो रही थी, क्योंकि मुझे एक चीज जरूर याद है कि 2007 के फाइनल के बाद ये बोला था कि ओपन बस सेलिब्रेशन होगी, और मेरे को उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि यार मैं उस ओपन बस सेलिब्रेशन को भी नहीं बिलीव करता था, कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ओवर द टॉप थी सेलिब्रेशन, नो डाउट, कि जिस तरीके से फैंस आए थे उनका प्यार अलग है। लेकिन अगेन मैं वापस जाना चाहूँगा कि हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया जो हमारे को नहीं करना चाहिए था, और ना ही हमने 2011 में, क्योंकि हमारा फ़र्ज बनता है वर्ल्ड कप जीतना, इस टीम का फ़र्ज बनता है, अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पर खड़े हैं। उनका रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाकी जो 15 खिलाड़ी है, अगर आप वर्ल्ड कप के लिए पिक हुए तो आपका एक ही मकसद रहता है, वर्ल्ड कप जिताना। तो इट इज एज सिंपल एज इट कैन गेट। आप बहुत हम्बल हैं, मैं यही कहूंगी, आप बहुत मॉडर्स हैं, आपको नहीं पता आपने बिलियन ड्रीम्स को जिया, आपके थ्रू हम इंडियंस ने, बिलियन इंडियंस ने जिया, इनके कारण जीते हैं। बॉलर जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाज सिर्फ रन बनाते हैं, अगर विकेट नहीं ली जाती तो नहीं जीतते। ये देखिए आपके फैंस ही आपसे कह रहे हैं कि आप कितने हम्बल हैं। मैं तो आपको खुद कह रहा हूं, तो है उसका रीजन है, मैं बता रहा हूं। साउथ अफ्रीका का वो फाइनल मैच आपको याद है, राइट? इंडिया पाकिस्तान 2007, जो उस पिच वॉन्डरर्स, राइट? अब उस पिच पे गेटिंग बीनीथ द बॉल, एब्सोल्युटली, और उस पिच पे रन बनाना हमें पता चला था कि कितना मुश्किल था। गौती डिड दैट, उस पिच पे गौती ने 75 रन बनाए और तेज बनाए, और वो चलते गए, वो काफी देर तक चलते गए, और वो अगर रन नहीं बने होते तो बॉलर सेटअप नहीं कर पाता। नहीं सो बॉलर सेटअप बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक चीज में ना बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, बल्लेबाज सिर्फ सेटअप करते हैं, गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। और इरफान ने ये ऑन एयर बोला, और मेरे से ज्यादा मॉडेस्ट इरफान थे, कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल का कोई मैन ऑफ द मैच था वो इरफान को ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 3 विकेट नहीं लिए जाते तो नहीं, इट्स अ फैक्ट। और ये नहीं है, अगर आप 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में, सेम सिचुएशन होती है। अब मैं डिटेल में घुस जाता हूँ, मैं रोकना चाहूंगा गौतम को, मैं रुकता हूँ, मैं रुकाता हूँ।